हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और आपकी एजुकेटर हूं, जो है कि यूजीसी नेट की आपको प्रिपरेशन कराती हूं। साथ ही साथ वो सारे बच्चे जो कि मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमारे पास से काफी अच्छा मटेरियल जो है वो मिल सकता है। अब बात यह आती है कि अगर आप लोग बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट 2023 के लिए, या फिर आप ऑलरेडी एक एग्जाम दे चुके हो, अब आगे की आप तैयारी करने वाले हैं, या बिल्कुल जीरो से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं उन बुक्स की जिनकी मदद से आपको हेल्प मिलेगी आपकी स्टडी के लिए, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी की जिसकी मदद से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो और विदाउट एनी कॉस्ट आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। लाइक आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है और आप इजीली अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पहले बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम प्रेफर करें पेपर वन एंड पेपर टू के लिए। तो जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो बुक्स मैंने अभी लेटेस्टली देखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आई सजेस्ट कि पेपर वन के लिए जो केवीएस मदान की बुक है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि उस बुक में जिस तरीके से मैटर दिया गया है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहां पर उसमें मैटर दिया गया है, तो उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने खुद ने उस बुक को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो बुक मुझे एक अच्छी लगी जिसका आप हेल्प ले सकते हो अपनी तैयारी के लिए पेपर वन के लिए। और इसी तरह से पेपर टू की अगर मैं बात करूं, तो पेपर टू मैनेजमेंट की मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि पेपर टू में मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को पढ़ाती हूं। तो पेपर टू मैनेजमेंट के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगी थी वो अरिहंत की बुक है। उसमें जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो काफी अच्छे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट दिए गए हैं। बाकी सारा की सारा जितना उसमें दिया है वो तो ठीक है, बाकी अपने चैनल पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा पेपर टू से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा ट्रूमैन की बुक भी काफी अच्छी है जो पेपर टू के लिए प्रेफर की जाती है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेपर टू के लिए तो आप अपना जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनकी बुक्स भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात। ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू। अब बात आती है कि कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करें जिससे हम एक बार में ही अपना एग्जाम क्लियर कर जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाके आप अपने पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। आई पर्सनली सजेस्ट, जो मेरी खुद की अपनी स्ट्रेटजी रही है वो यही रही है कि आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले तो एक आपको ध्यान रखनी है बात कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनका पीडीएफ नहीं, उन पेपर्स की आपके पास हार्ड कॉपी मौजूद होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स की हार्ड कॉपी आप अपने पास मौजूद रखिए, वो चाहे आप किसी बुक्स के थ्रू लीजिए या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट है एनटीए की उस पर भी अवेलेबल है पेपर्स, आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना शुरू कीजिए। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, अभी फिर बता रही हूं जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए स्पेशली, कि जब आप इस तरह से प्रिंट आउट्स अपने पास रखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स को जब आप निकालते हो, चार ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उन चारों में से एक आपका आंसर रहेगा, लेकिन जो तीन है वो हमारे लिए तीन नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, इस तरह से करने पर आपके जो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो पेपर वन के, तो उन 50 क्वेश्चन की जगह आपके 200 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उन 50 का तो आप आंसर्स निकाल ही रहे हो, साथ ही साथ बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं उनको भी आप सर्च आउट कर रहे हो कि आखिर उसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपसे किसी क्लाइमेट चेंज या किसी चीज के बारे में पूछा गया है, अब उसमें ऑप्शंस आपको दिया है कि अर्थ समिट हो सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल हो सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो सकता है, क्या हो सकता है, आंसर तो उसका एक ही रहेगा, लेकिन बाकी चीजों को भी आपने पढ़ा कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, व्हाट इज अर्थ समिट, व्हाट इज रियो समिट, ये भी आपने पढ़ा, तो ये क्वेश्चंस भी आपके ऑटोमेटिकली तैयार होते चले जाएंगे। इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते जाइए, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाइए, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पर ही। यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सबके पीछे ना भागते हुए कुछ को आप सिलेक्ट कीजिए जिनसे आपको अपना, लाइक पेपर टू के लिए किसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, पेपर वन के लिए आप किसी को सिलेक्ट कर लीजिए। पेपर वन के लिए हो सकता है आपको 2-3 एजुकेटर्स चूज करने पड़े, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक एक ही समय पर सब कंप्लीट नहीं करवाते हैं, तो वो आप अपने सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते हैं, वो आप करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करिए ना,
जो टेस्ट सीरीज की बात आती है, तो टेस्ट सीरीज भी वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं। बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको टेस्ट सीरीज कराते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स कराते हैं, उनके थ्रू भी आप अपना तैयारी जो है कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी पूरी तैयारी आपकी कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप अपना GRF क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बोला हुआ है 50 क्वेश्चंस वाला, या फिर जो भी आपने 50 क्वेश्चन तैयार किए हुए, इसका 200 कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो रहे हैं, तो एक बात मान के चलो कि पहली बार आपको ऐसा होगा कि आपको थोड़ी मेहनत लगेगी उन 200 कॉन्सेप्ट को पता करने में, लेकिन जब दूसरा पेपर आप दोगे ना तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से जब तीसरा सेट आप उठाओगे तो आपके लिए वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी इसीलिए यूज की जाती है, यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम पर भी यूज की थी, आज से 10 साल पहले जब मैंने NTU UGC नेट का एग्जाम दिया था, तब मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज की थी कि पेपर लिया, पेपर को सॉल्व किया, और उसे सॉल्व करने के बाद उसके बाकी के जो ऑप्शंस थे उनके मैंने आंसर्स निकाले। तो जब मैंने दूसरा पेपर किया तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान हो गया, बिकॉज मुझे ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मेरे लिए वो अननोन नहीं थे। अदरवाइज पहली बार पढ़ के तो आपको यही लगेगा कि यार ये है क्या। तो उस कंसेप्ट को दिमाग से हटाने के लिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। और अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको, शॉर्ट नोट्स को इस तरीके से बनाइएगा कि आपको एग्जाम टाइम पर हेल्प मिले, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीच बीच में मोटिवेशंस रिक्वायर्ड रहता ही है, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि आप अपने नाम के आगे JRF या डॉक्टर जो भी देखना चाहते हैं उसको अपनी डेस्क पर जरूर लिखिए, बार बार उस पर नजर रखिए, जिससे कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सके। अदरवाइज कुछ समय के बाद हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारी स्टडी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो सेल्फ मोटिवेशन भी रिक्वायर्ड होता है, बाकी हम है ही है बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को। तो जब यहां तक अगर आप हम आए हैं तो अब आपको यह भी बता दूं कि हमारे चैनल पर भी आपको Paper 1 Paper 2 की प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। क्लासेस भी लेती हूं मैं, वो भी आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ जो Paper 2 है उसका भी पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और दोबारा से हमने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।